नमस्कार, क्रिएटिविटी विद राधा में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिल्कुल अलग तरह की वीडियो लेकर आई हूँ। हमारे घर में, किचन में बहुत छोटे छोटे से ऐसे ट्रिक्स होते हैं, ऐसे जुगाड़ होते हैं, जिनका यूज करके यदि हम अपने काम को करते हैं ना, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। ये ट्रिक्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, पर हमारे बड़े बड़े काम को आसान कर देते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर वन, जब सरसों का तेल शुद्ध तेल होता है ना, तो उसमें बहुत तेज झार आती है। जब उसको हम कढ़ाई में डालते हैं तो आंखों में तेज से चिनमिनाहट सी होने लगती है और उसकी जो सुगंध होती है ना, वो बहुत तेज सी लगती है। तो इसको खत्म करने के लिए यदि हम कढ़ाई में तेल डालें और फिर उसमें नमक डाल देना, तो वो तेल जब गर्म होगा नमक के साथ, तो उसकी सारी झार खत्म हो जाएगी, आंखों में भी नहीं लगेगा, आंखों में जलन भी नहीं होगी। अब हम ट्रिक नंबर टू की तरफ चलते हैं। इस हरी मिर्च को हम ज्यादातर तो चॉपर में ही काटते हैं। आजकल ज्यादातर सभी सब्जियां हो चाहे मिर्च हो, सब चॉपर में ही काट लेते हैं, तो हाथों में थोड़ा कम लगता है। यदि हम चाकू से इनको इस तरह से काटते हैं या चॉपर से काटते समय ही हमारे हाथों में कहीं मिर्च लग गई, या किसी भी तरह से हमारे हाथों में यदि मिर्च लग जाए, चाहे ये हरी मिर्च हो और चाहे लाल, किसी भी तरह की मिर्च यदि हमारे हाथों में लग जाती है, तो कुछ स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि बहुत सी जलन सी होती है। बहुत कितना भी आप साबुन से हाथ धो लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, बहुत जलन होती है। और ये चीज मेरे हाथ में भी होता है। तो इसके लिए क्या करना है हमें कि जब हम मिर्च को काटते हैं, हमारे हाथ में जलन होती है, लग जाता है मिर्च, तो हम क्या करेंगे कि एक कटोरी ठंडा दूध ले लेंगे। जो फ्रिज में रखा हुआ दूध होता है वो ले लीजिए, या नॉर्मल ले लीजिए, पर गर्म नहीं होना चाहिए। तो उसमें हम एक चम्मच शक्कर डाल देंगे। उसके बाद उसमें हम हाथ अपना डिप कर देंगे और लगभग 2 से 3 मिनट हम उसमें हाथ डिप करके लगातार रखेंगे और फिर निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे हाथों की जलन गायब हो गई। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जब भी आपको मिर्च से आपके हाथों में मिर्च लग जाए और जलन हो ना, तो चीनी डले हुए ठंडे दूध में हाथ डिप कर दीजिए, आपकी जलन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चलिए ट्रिक नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठंडक के दिनों में अदरक बहुत सस्ती भी होती है, तो हम लोग अदरक ले आते हैं, काफी अदरक होती है और ठंड में ज्यादा अदरक की जरूरत भी होती है। यही अदरक जब गर्मी आने वाली होती है तो बहुत महंगी हो जाती है, और ठंड में भी कभी कभी बहुत महंगी होती है। जब हम अदरक ले आते हैं ज्यादा ना, तो वो सूखने सी लगती है, ऐसी सिकुड़ सी जाती है। देखिए जैसे ये हो रही है, हम उसको फ्रिज में भी रखते हैं तो फ्रिज में भी रखने से थोड़ा सा एक अलग टाइप से हो जाती है, सुकड़ी सुकड़ी सी, उतनी ताजी ताजी खिली खिली सी नहीं दिखाई पड़ती है। और हमें अदरक की जरूरत पड़ती है, हम लाते हैं क्योंकि सब्जी में, चाय में, अदरक की चाय तो बनती ही लाजवाब है, तो अदरक की हमें बहुत जरूरत होती है। जब अदरक महंगी हो, अदरक हम लाएं और इस तरह से सूख जाती है ना, तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, बहुत खराब लगता है। तो इसको हम क्या करेंगे, अदरक को हम साफ करके धुल के फ्रीजर में रख दें, और जब हमें जरूरत हो तो उसमें से एक गांठ निकाल लें, बिल्कुल वही अदरक ताजी ताजी सी खिली खिली सी आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जब अदरक महंगी हो, आपके पास कम अदरक हो और अदरक सूख रही हो, तो आप इसी तरह से फ्रीजर में रखकर उसे निकालकर इस्तेमाल करिए। अब हम ट्रिक नंबर 4 की तरफ आ गए हैं। ठंड के दिनों में जब हम चावल बनाते हैं, तो ज्यादातर चावल सभी को पुराना वाला ही पसंद होता है, पुराना चावल ज्यादातर लोग बनाते भी हैं। तो हम पुराने चावल में यदि नया चावल भी थोड़ा सा ऐड कर दें, मतलब कि 2 हिस्सा हम नया चावल रखें और 1 हिस्सा पुराना चावल। ये देखिए जो मैं डाल रही हूँ कटोरी में, ये नया चावल है, इतना ही 2 हिस्सा, मतलब कि 2 कटोरी इतना ही इतना लेकर मैंने पुराना चावल लिया है और 1 कटोरी डाल रही हूँ मैं नया चावल। तो इसको बनाने से इस चावल का कलर, स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। इस तरह आप जरूर बनाकर देखिए, 2 हिस्सा पुराना चावल और 1 हिस्सा नया चावल मिलाकर बनाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आइए अब हम ट्रिक नंबर 5 की तरफ चलते हैं। और ये जो काले तिल के लड्डू होते हैं ना, ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसका विशेष फायदा मैं आपको बताती हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं, लगभग 2 साल से ऊपर के बच्चे जो कि इस लड्डू को आसानी से खा सकते हो, इतने छोटे बच्चों को यदि टॉयलेट हो जाती है बिस्तर पर, बिस्तर गीला कर देते हैं, तो 1 लड्डू ठंड के दिनों में आप डेली दीजिए,
तो इससे उनको बहुत फायदा मिलेगा। वो धीरे धीरे देखते ही देखते बिस्तर पर टॉयलेट करना, बिस्तर को गीला करना बंद कर देंगे। और हाँ, यदि बच्चे काले तिल के लड्डू पसंद ना करें ना, तो ठंड के दिनों में आप उन्हें डेली एक छुहारा दे दीजिए, या उनको पिंड खजूर पसंद हो तो पिंड खजूर दे सकते हैं, या फिर ड्राई छुहारा भी दे सकते हैं। इससे बहुत फायदा मिलेगा।